अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट आरा सुल्तान। और दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि हम जो उनका फेस चेंज इफेक्ट है वो कैसे कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, हम लोगों ने इसका फेस जो उनसा है वो इस गर्ल के ऊपर अप्लाई किया है। और अगर इसके पहले मैं आपको फेस दिखाऊं तो दोस्तों, ये देखिए, मैं इनको हाइड करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसका फेस ऐसा था इस गर्ल का, और हमने अपनी फेस स्वैप की मदद से हमने इसका फेस जो उनसा ऐसे चेंज कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत आसान मेथड है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाली हूँ दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। तो आए विदाउट टाइम वेस्टिंग अपने आज के इस टॉपिक को शुरू कर। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, फाइल के बटन पर आएंगे, ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से वो पिक्चर्स अपनी सिलेक्ट करके ओपन करेंगे जिसके ऊपर हमने काम करना है दोस्तों। जैसे कि मेरी एक ये पिक्चर है और एक ये पिक्चर है दोस्तों, ठीक है, हमने इनको ओपन कर लिया। अब हमने क्या करना है दोस्तों, अब मैं इसका जो फेस है वो यहाँ से रिमूव करके इस फेस के ऊपर अप्लाई करूंगी दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं अपनी ये वाली पिक्चर पर आऊंगी, पेन टूल सिलेक्ट करूंगी और उसकी मदद से अपने इस पेज, इस जो फेस है हमारा, ठीक है, इस फेस के ऊपर जो सा है हम लोग इसकी सिलेक्शन कर लेंगे दोस्तों। मैं पेन टूल से कर रही हूँ, आप किसी भी सिलेक्शन टूल से जो सा है वो इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको जो सा इजी लगे सिलेक्शन के लिए आप उससे इसकी सिलेक्शन कर ले दोस्तों, ठीक है। ये देखें दोस्तों, मैंने इसकी सिलेक्शन कर ली है। मैं राइट क्लिक करूंगी और मेक सिलेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, फिर इधर वंस डिसाइड करेंगे और ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये जो सिलेक्शन है ये हो गई है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, वी प्रेस करूंगी मूव टूल के लिए, ठीक है, और कंट्रोल सी से मैं इसकी कॉपी कर लूंगी दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पर आके कंट्रोल वी करूंगी तो ये देखिए यहाँ पर पेस्ट हो गया है। इसको इसके ऊपर सेट करूंगी। ट्रांसमिशन के लिए दोस्तों कंट्रोल टी प्रेस करूंगी, ठीक है, और शिफ्ट दबाकर इसके साइज को इसके ऊपर सेट कर लूंगी दोस्तों मैं, और इसको परफेक्ट सेट करने के लिए इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे ताकि हम इसकी अच्छे से सिलेक्शन कर सके दोस्तों। जैसे कि ये देखिए, हमें आईज के ऊपर आईज, नोज, लिप्स, ये जो उनसा सारा जो उनसा ये ठीक से सेट करना है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए अब थोड़ा सा परफेक्ट है, बाकी आप मैं यहाँ पे ठीक तरीके से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इसको अगर मैं ठीक तरीके से करूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपने इसको ठीक तरीके से जो उनसा है आईज के ऊपर आईज, नोज, लिप्स को जो उनसा है वो आपने सेट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। ये देखें अब यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सेट है, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को हम लोग दोबारा से 100% कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए, इसकी ओपेसिटी 100% हो गई है। अपनी पुरानी लेयर पर आएंगे और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे डुप्लीकेट के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, इसका डुप्लीकेट बन गया है, ठीक है। अब हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और अपना ये जो फेस वाला थंबनेल है इसके ऊपर एक दफा क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो ये देखिए, ये एक सिलेक्शन जोन सी है वो बन गई है दोस्तों, ठीक है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर वापस अपने इस लेयर पर आएंगे, ठीक है, फिल्टर में जाएंगे, सिलेक्शन में जाएंगे सॉरी, और वहां से मॉडिफाई में जाकर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है, और यहाँ से ये 25 कॉन्ट्रैक्ट्स करके ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये देखेंगे, जो सा सर्कल है वो हमारा छोटा हो गया है। अब हम अपनी इस वाली लेयर पर आएंगे दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पर आके हम लोग एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके कट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये देखें दोस्तों, हमारा जो फेस है वो कट हो गया दोस्तों, यहाँ पे थंबनेल पे देखें दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोगों को करना ये है कि हम लोगों ने अपनी ये वाली पिक्चर को और शिफ्ट दबाकर अपनी ऊपर वाली फेस वाली पिक्चर को ए सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। दोनों को सिलेक्ट कर लिया, अब हम दोस्तों दोबारा से एडिट में जाएंगे और एडिट में जाकर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ऑटो ब्लेंड लेयर की ऑप्शन होगी हमारे पास दोस्तों। हमने इसके ऊपर जो सा है ऊपर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके के बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। देखेंगे दोस्तों, जैसे हमने ओके वाली बटन पर क्लिक किया तो इसका फेस सेम टू सेम, इसका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है उसके मुताबिक वो फेस मर्ज हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको दिखाऊं, ये भी अगर मैं आपको करके दिखाऊं, ये देखिए दोस्तों, अब ये वाला फेस और ये वाला फेस जो सा है वो सेम है दोस्तों, ठीक है। अब ये देखिए, अगर मैं इसको हाइड करूं तो ये देखें, इसको भी हाइड करके इसको भी हाइड करते तो पहले गर्ल का फेस ये था, लेकिन हमारी एडिटिंग के बाद फेस उसका जो सा है वो चेंज हो गया दोस्तों। ये देखें दोस्तों,
ठीक है, ये देखिए पहले उसका फेस जो सा है वो ऐसे था और अब इसका फेस ऐसे है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।